हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं हूँ, आपके लिए बहुत ही उपयोगी काढ़ा लेकर आई हूँ। तो आप एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दिखाएंगे आपको हम कैसे काढ़ा बनाएंगे। तो फ्रेंड, इधर लिया है मैंने अर्जुना छाल। तो ये अर्जुन छाल है, तो आसानी से ये मिल जाती है किराने की दुकान पर। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और ये है दालचीनी। तो दालचीनी तो आप जानते हो, घर के मसालों में हम लोग यूज करते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आपको आसानी से ये मिल भी जाती है। तो आजकल की भाग दौड़ में हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, काम से काम और दुनिया भर का रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें। और अक्सर कर आज देखा होगा, आजकल बीपी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हाई बीपी होना ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। तो हाई बीपी से आप अपने आप को बचा सकते हैं और तनाव कम करें। और जब हाई बीपी होता है तो साथ में डायबिटीज ज़रूर आती है। तो डायबिटीज और हाई बीपी लगभग साथ में दस्तक देते हैं। तो हाई बीपी और डायबिटीज को आप बचा सकते हैं। थोड़ा सा आप योगा वगैरह करें, टहलें। और जब हाई बीपी और शुगर होती है तो हमारे शरीर पे कुछ खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। तो ये तो आप जानते हो कितना खतरनाक होता है। आदमी बेचैन होता है, इंसान घबराहट होती है, उठ उठ के भागता है जब ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो इसको बचाने के लिए कुछ आज उपयोगी काढ़ा लेकर आई हूँ मैं। तो आप यूज करें, मैंने खुद पर यूज किया है इसलिए मैं आपके सामने इसको लेके आई हूँ। तो इधर मैंने ये अर्जुन छाल ली है फ्रेंड। तो अर्जुन छाल ये किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। और अगर इस तरह से लकड़ी नहीं मिलेगी तो इसका पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो दालचीनी और अर्जुन छाल का पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो अगर लकड़ी मिलती है तो कूटना और पीसना थोड़ा सा झंझट होता है। तो ये लकड़ी हमको अर्जुन छाल की अपने गांव में मिली थी, तो गांव से मैंने मंगाई है। और इसको 15 से 20 दिन तक मैंने सुखाया। तो वहाँ तो ये अगर पेड़ से लेंगे तो ये कच्ची ही मिलती है, तो काट के मंगा लिया था। इसको सुखा के मैंने तैयार कर लिया, 20 दिन तक सुखाई थी। उसके बाद ये मैंने ली है दालचीनी। तो आप जानते हो घर के हिंदुस्तानी मसालों में हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं। और ये वेट लॉस करने के लिए भी मानी जाती है। तो इसको भी मैंने ले लिया। तो चलिए, सबका मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो इसका मेजरमेंट मैंने लिया है 250 ग्राम। अगर मैंने अर्जुन की छाल ली है तो इसमें केवल 50 ग्राम मैंने दालचीनी डाली है। तो इतना मेजरमेंट इसका मैंने रखा है। और इसको पीस के मैंने पाउडर तैयार कर लिया, जिसको आप डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती, अगर पानी से इसको बचाया जा सकता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हम बना लेते हैं काढ़ा। तो ये काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके जोड़ों में भी दर्द होता है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो मैंने इधर 1 गिलास पानी ले लेते हैं। तो और 1 गिलास और डालेंगे तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी लिया है। और 2 कप काढ़ा बनाकर हमको इसका तैयार करना है। तो इसको बॉयल आने देते हैं हम, उसके बाद ही इसमें हम पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, पानी में लगभग बॉयल आने लगा है। तो चलिए अब इसमें हम पाउडर डाल देते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच भर करके पाउडर लिया है। तो अगर नॉर्मल कहें तो ये 2 चम्मच पाउडर होगा। तो 2 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच 1 कप के लिए हमको 1 ही चम्मच लेना है नॉर्मल सी। और चलिए इसको हम अच्छे से, तो ये ऊपर तक झाग आ गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा चम्मच से नीचे को कर दूंगी। उसके बाद मैं कुछ और इसमें मसाले डालूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप अगर एंड तक हमारे साथ रहेंगे तभी आप जानेंगे पूरा परफेक्ट काढ़ा कैसे बनाएं। तो फ्रेंड, इधर ले लिया मैंने गिलोय। तो आजकल देख रहे हो आप कितनी महामारी चल रही है, कितने सारे वायरस आ रहे हैं। तो उसके लिए ये गिलोय और तुलसी की पत्ती और अदरक। तो अदरक तो बाहर से ही लेनी पड़ती है, और ये गिलोय का पौधा मैंने खुद अपने गार्डन में लगा के रखा है। और तुलसी की पत्ती, तुलसी जी तो आप हर घर में रहती हैं, तो आप 4 से 5 तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं। और इसको हम कूट लेते हैं अच्छे से। और कूटने के बाद चलिए इसको हम काढ़े में डालेंगे। तो इधर काफ़ी अच्छे से काढ़ा हमारा तैयार हो रहा है। मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है इंडक्शन को, और स्लो आंच पे ही हमको इसको पकाना है अच्छे से, ताकि जितने भी अच्छे से जो हमने दालचीनी और ये सबका फ्लेवर अच्छे से आ जाए काढ़े में। तो फ्रेंड, ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है, जब आप यूज करेंगे तभी इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने खुद अपने घर पे यूज किया है इसलिए आपके सामने ये रेमेडी मैंने शेयर की है। तो आप जब 15 दिन तक इसको यूज करेंगे तभी इसके सारे फायदे आपको पता लगेंगे। तो अगर बार बार हाई बीपी होता है तो आप इसको ज़रूर यूज करें। तो चलिए, इसको काढ़ा बन के तैयार हो गया, हम इसको छान लेते हैं।
तो ये मैंने एक गिलास में इसको छाना है, लेकिन ये 2 कप काढ़ा है, आप 2 कप में इसको निकाल सकते हैं। तो ये कड़वा तो बहुत होता है, तो आप इसको मतलब अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप इसको गुड़ डाल के बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसको दूध भी बनाकर पी सकते हैं, तो कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। और डायबिटिक भी हैं तो हल्का सा इसमें गुड़ बहुत नाम मात्र के लिए डाल सकते हैं। और इसको पीने का समय रहता है फ्रेंड मॉर्निंग में, आप जब सुबह उठते हैं तो इसको ले लें, फिर 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद ही आप अपना चाय वगैरह ले सकते हैं, जो भी आप पीते हैं सुबह, जो भी नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड आप इंजॉय ज़रूर करें और बनाएं इसको और बेनिफिट इसके देखें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स।